51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया जो आपका पर्वत निर्माणकारी बल है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो आपका पर्वत निर्माणकारी बल है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है? तो किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है? तो आपका कॉन्ग्लोमेरेट में मिलता है, ग्रेनाइट में नहीं मिलता है, क्योंकि इग्नियस रॉक है, सेल में मिलेगा और बलुआ पत्थर मिलेगा। तो किस में नहीं मिलता है? आपका ग्रेनाइट में नहीं मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है, कौन से चट्टान से होती है? तो ये आपका रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है आपकी अग्नि यानी इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक दोनों से होती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक दोनों से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित से कौन सा मेटामॉर्फोसिस चट्टानों का एग्जाम्पल नहीं है? तो आपका हो जाएगा संगमरमर एग्जाम्पल है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका क्वार्टजाइट, ये भी है, स्लेट भी है, लेकिन ग्रेनाइट जो आपका ये नहीं है क्योंकि ये इग्नियस रॉक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहा जाता है मैग्मा। यही मैग्मा जब ऊपर आ जाता है तो इसको लावा कहते हैं, ठीक है, तो मैग्मा कहते हैं पृथ्वी के अंदर। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, तो ज्वालामुखी उद्गार कहाँ नहीं होता है? तो आपका बाल्टिक सागर में नहीं होता है। ज्वालामुखी उद्गार जो है कहाँ नहीं होता है? आपका बाल्टिक सागर में नहीं होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर करते हैं, भूकंप का तीव्रता मापते हैं कहाँ पे? रिक्टर पैमाने पे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है? तो भारतीय महाद्वीप में जो उत्तर पश्चिम प्रदेश में जो भूकंप आता है उसका कारण है आपका प्लेट टेक्टोनिक का क्रिया, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की तटरेखा कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है, ऐसे अगर मेन तट की बात करें तो 61 हो जाएगा, अगर हम यूटी का बात करते हैं तो ये हो जाएगा 7500। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? तो 7500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूटी सहित पूछ रहा है, यूनियन टेरिटरी के साथ साथ अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप दोनों को जोड़कर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो यह आपका कोरोमंडल तट है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल कोस्ट है। केरला के तट का नाम है आपका मालाबार तट है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमोरन के मध्य है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कैप कोमोरन के बीच में कौन सा है? तो आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक कैप कोमोरन के नाम से भी जाना जाता है? केप कोमोरन को हम कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं, कन्याकुमारी को केप कोमोरन भी कहते हैं, कैसे कन्याकुमारी कैसे केप कोमोरन। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे सैडल पीक हो जाएगा, सैडल पीक कहाँ पे आपका? आपका नॉर्थ अंडमान में है, तो नॉर्थ अंडमान का हिंदी में कहें तो आपका आपका उत्तरी अमेरिका अंडमान में हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार क्या है? बंगाल की खाड़ी में दो नहीं है बहुत सारे द्वीप है, तो अंडमान निकोबार क्या है? तो अंडमान निकोबार है आपके कितना हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, एक तरह का समूह है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो अगर बात करते हैं टोटल द्वीपों के 572 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 आपका, जितने 247 एक अंडमान में हो जाएगा और निकोबार में कितने हो जाएंगे आपका, जितना जो रेस्ट हो गया वो आ जाएंगे निकोबार में आ जाएगा। नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से। नेक्स्ट है, बैरन द्वीप अवस्थित है, बैरन द्वीप कहाँ पे है? आपका अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में है, बैरन द्वीप कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग में जिस अन्य नाम से जाना जाता है क्या है? तो भारत के जो पश्चिम तटीय मैदान है, इसके उत्तरी पार्ट को क्या कहेंगे? नॉर्दर्न पार्ट को हम कहते हैं आपका कौन सा, कोंकण तट कहते हैं, कौन सा, कोंकण तट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखी है? तो भारत में एक ही उद्गम ज्वालामुखी द्वीप है, कौन सा? तो बैरन आइलैंड हो जाएगा, बैरन आइलैंड एक तो है आपका, बैरन आइलैंड है, एक नारकोंडम हो जाएगा, दोनों ही आपका क्या है, आपका ज्वालामुखी उद्गम है। नेक्स्ट है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा हो जाएगी, कौन कौन से हो जाएगा, नर्मदा और सतपुरा के बीच में, सॉरी सतपुरा और विंध्याचल के बीच में है, विंध्या सतपुरा के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, यहाँ नर्मदा है, ऊपर में आपका विंध्या हो जाएगा, नीचे आपका सतपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, कौन सी? कावेरी नदी निकलती है कहाँ से? कर्नाटका में।
नेक्स्ट है कावेरी नदी का कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो कावेरी नदी गुजरती है कहाँ से, कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु से और पुडुचेरी से, पुडुचेरी से निकलती है, ये आपका हो जाएगा पुडुचेरी तक हो जाएगा। नेक्स्ट है डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ पे निम्नलिखित नहीं होती, क्या नहीं होता है, तो गहरा समुद्र नहीं होता है, तो डेल्टा का निर्माण उन स्थान पर होता है जहाँ पे गहरे समुद्र नहीं होते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, गहरा समुद्र जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका एश्चुरी बनता है, एश्चुरी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कैसे कहते हैं, ताजे पानी की झील पूछा तो आपका लेक सुपेरियर हो जाएगा, यानी सुपेरियर कहाँ पे आपका, आपका ये है आपका सुपेरियर झील कहाँ पे आपका यूएसए में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है, विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है, आपका बैकॉल झील है, कहाँ पे साइबेरिया में है और ये कहाँ पे आपका रसिया में हो जाएगा, तो निम्न झीलों में से कौन सी विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है, तो आपका बैकॉल झील है और ये कहाँ पे आपका रसिया में हो जाएगा, राइट से साइबेरिया। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बॉइंग झील आपका डोमिनिका में है, फाइव फ्लावर झील आपका मंगोलिया में नहीं है, रेड लैगून बोलिविया में है और ग्रेट फ्लेव झील आपका कनाडा में हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे गलत दे रखा है, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि फाइव फ्लावर झील जो है कहाँ पे है, आप मेरे को, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि फाइव फ्लावर झील कहाँ पे, आप मेरे को उसको कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो बताना है आपका टिटिकाका झील बोलिविया पेरू के बीच में है, सही बात है, उर्मिया झील ईरान में है और रेंडिया झील आपका ये गलत दे रखा है और अथाबास्का झील कनाडा में, अथाबास्का कहाँ पे है, कनाडा में है, ये आपका गलत है, आप मेरे को बताइएगा रेंडिया झील कहाँ पे है, रशिया में नहीं है तो कहाँ पे है, ये भी मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है तो आप मेरे को बताइएगा इसका आंसर कहाँ पे है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जल प्रपातों में से कौन वेनेजुएला में अवस्थित है, तो वेनेजुएला में कौन सा आपका एंजेल फॉल है, वेनेजुएला में कौन सा फॉल है आपका एंजेल फॉल हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी के संबंधित है, तो विक्टोरिया फॉल किस नदी पे है, तो आपका जाम्बेजी नदी पे है, विक्टोरिया फॉल ये भी आपका पूछा गया है, आपका जाम्बेजी नदी पे है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एश्चुरी बनाती है, तो एश्चुरी कौन बनाती है, ताप्ती और नर्मदा बनाती है, कौन सी, नर्मदा और ताप्ती बनाती है, तो यहाँ पे कौन सा है, ताप्ती हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी। नेक्स्ट है नदियों की लंबाई के अनुसार बताना है, इनमें से अवरोही क्रम में बताना है, तो कौन सी हो जाएगा, तो सबसे बड़ी कौन सी इनमें से हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी, फिर सॉरी गोदावरी हो जाएगी, उसके बाद नर्मदा होगी, उसके बाद कौन सी हो जाएगी, महानदी होगी, उसके बाद ताप्ती हो जाएगी, तो कौन सा आपका गोदावरी है, नर्मदा है, महानदी है, ताप्ती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है, तो ये आपका वृक्ष नुमा रखती है, तो दक्षिण भारत की नदियां जो है आपका वृक्ष नुमा यानी ट्री टाइप जो है आपका अपवाह बनाती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, तो सही नहीं बताना है, तो कौन सा सही गलत है, तो महानदी का उद्भव जो है छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, सही बात है, छत्तीसगढ़ का कौन सा पठार है, तो आपका अमरकंटक का पठार है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र के नासिक में होता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर देखेंगे पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कावेरी नदी का उद्गम जो आपका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, आपका कर्नाटका में होता है, कौन सी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट है ताप्ती नदी का उद्भव कहाँ से, मध्य प्रदेश के बैतूल में होता है, ये भी आपका सही है, तो कौन सा गलत हो गया, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट है सोन नर्मदा महानदी निकलती है कहाँ से, आपका छत्तीसगढ़ के अमरकंटक के पठार से निकलती है, तो अमरकंटक ये किसका, अमरकंटक जो है सबसे ऊंची चोटी है किसकी, मैकाल पर्वत की है, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, तो सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो ये बनाती है उड़ीसा में, कौन बनती है, महानदी बनती है, तो यही बनाएगी, महानदी डेल्टा बनाती है उड़ीसा में, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, तो गोदावरी नदी का इनमें से, तो सबसे बड़ा कौन सा है, गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत में पूछा तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी नदी, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सब श्रेणियों, हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, तो हिमालय की सभी श्रेणियों को कौन कौन नदी काटती है, तो ये नदी जो हो जाएगी हमारी, तो ये नदी हो जाएगी आपकी कौन सी, सतलज हो जाएगी, कौन सी नदी, सतलज हो जाएगी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। और याद रखिएगा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सतलज हो जाएगी। नेक्स्ट है दूध गंगा नदी, यहाँ पे दो चीज़ें, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से कहाँ पे अवस्थित है, तो दूध गंगा नदी जो आपका जम्मू कश्मीर में है, दूध गंगा नदी जो आपका जम्मू कश्मीर में है, और दूध गंगा फॉल, दूध गंगा फॉल जो आपका वाटरफॉल ये कहाँ पे, तो आपका गोवा में हो जाएगा,
दूधगंगा फॉल वाटर जो वाटरफॉल है आपका गोवा में है और यह मांडवी नदी पे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन गिरती है? तो गंगा गिरती है, ब्रह्मपुत्र गिरती है, गोदावरी गिरती है, महानदी कृष्णा कावेरी सरसारी गिरती है। और ए एन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एन बी। नेक्स्ट है, निम्न नहरों में से किससे दामोदर की नदियों से निकाला गया है? तो दामोदर नदी से निकाला गया आपका एडन नहर को। किस नदी नहर को निकाला गया है? तो दामोदर नदी से निकाला गया, तो आपका एडन नहर को निकाला गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामोदर किसकी सहायक नदी है? वह है आपका हुगली। दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्न वलन के कारण भ्रंश घाटी है? तो निम्न वलन के कारण जो आपका भ्रंश घाटी कौन सा? तो दामोदर नदी हो जाएगा, और ये भारत के रूहर प्रदेश कहते हैं। भारत का रूहर प्रदेश किसे कहते हैं? आपका दामोदर को कहते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतःस्थलीय अपवाह नदी का उदाहरण कौन सा है? तो अंतःस्थलीय का अपवाहन का जो एग्जाम्पल है आपका घग्गर नदी हो जाएगी, घग्गर नदी। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तित किसे क्या है? तो सबसे ज़्यादा अपना पथ आपने आपने स्थान को कौन चेंज किया है, नदी पथ को किसने चेंज किया है? तो आपको कोसी नदी हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा, कोसी नदी। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात कौन सी नदी है? तो कोसी नदी है, इसके वजह से इसको भारत का शोक कहते हैं। किसी को बिहार का तो कहते हैं, और साथ में भारत का शोक भी आपको कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं हुआ है? तो हिमनदों से कौन किसका स्रोत नहीं है? तो यमुना का नहीं है, सही बात है, यमुना का है, अलकनंदा का है, कोसी नदी का नहीं है। कोसी जो नदी जो है सात नदियों के संगम से बनती है, तो यहाँ पे सी इसका नहीं हो जाएगा, बाकी आपका मंदाकिनी का भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? तो भारत में किसका नहीं है? तो व्यास का है, चिनाब का है, रावी का है, लेकिन सतलज का नहीं है। सतलज का कहाँ पे? आपका मानसरोवर तिब्बत में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है? तो चंबल नदी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है? तो आपका चंबल नदी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोच नदी आपको बनाता है असम और पश्चिम बंगाल के बीच का सीमा बनाता है। संकोच नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।